और दोस्तों मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आया हूँ। ये है टाटा स्टील को लेके। इसमें काफ़ी लोग कुछ पी बाय करके फंस गए, कुछ सी बाय करके फंस गए, ठीक है। तो इसका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जानने की कोशिश करते हैं, देन आप अंदाज़ा लगा लीजिएगा जो भी वीडियो देख रहा है उसने सी बाई करी है कि पी बाय करी है, ठीक है। आज इसकी क्लोजिंग प्राइस है करेक्ट 1100। ना इतना तेज भागा जो गिरना था, ना वो भागा जो पी सी, दोनों इसने जीरो की लगभग कर दी हैं जो आज। ये इसमें नीचे जो ट्रेंड लाइन है, आप इसको 700 पे जब ये था वहाँ से खींचिए। इसका सपोर्ट ले रहा है और इसका सपोर्ट आ रहा है आपका 1030-40 पे, ठीक है। 1030-40 कल के दिन जब ये खुलेगा तो ये यहाँ पे 1030 तक आ सकता है। उसको तोड़ देगा तो भैया और नीचे चला जाएगा। ऊपर की तरफ जाने के लिए पिछले 3 दिन से जहाँ पे रेजिस्टेंस ले रहा है वहीं पे, तो इसको 1110 1110 इसके ऊपर कोई क्लोजिंग देनी पड़ेगी। देन ये तेज होगा 11125 के ऊपर ही, ठीक है। ये आप अपना इसमें मार्क करके रखिए, ये है इसका सपोर्ट आगे आने वाले टाइम में 1030 के लगभग जो आ रहा है। और रेजिस्टेंस जो इसको भी फेस करना पड़ रहा है, वो इसको क्लोजिंग देनी पड़ेगी 11110 के ऊपर, ठीक है। उसी के ऊपर ये तेज भागेगा। जिस दिन 1125 के ऊपर क्लोज दे देगा, अच्छा खासा ऊपर जाएगा। नीचे इसने अगर 1030 का लेवल तोड़ दिया तो फिर ये आपको और भी नीचे के, क्योंकि भागा बहुत है भाई, तो ये मत देखो प्रॉफिट हुआ है, कंपनी ने इतना कुछ अर्न किया है, आपको 980, ठीक है, और प्रॉफिट बुकिंग आती है तो 960 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। आइए इसका एक बार वीकली चार्ट भी एनालाइज करते हैं। तो मैं तो आपको सीधा बोलूँगा, भविष्य में एक बार ये 750 आना चाहिए कभी, अभी आपको विश्वास नहीं होगा पर भैया टेक्निकल फिलहाल यही कहता है, और 950 भी एक बार इसको आना चाहिए एज पर जो वीकली कैंडल बनी है। ये दो लेवल रिटेस्ट नहीं हुए, आप ये देखेंगे जब इसको क्रॉस करके गया आगे जाके तो ये लेवल रीटेस्ट नहीं हुए। 950 का भी जब ये ऊपर जाके लेवल जो है रीटेस्ट नहीं हुए। जैसे आपको मैं ये बताता हूँ, ये वाली कैंडल देख रहे हैं वीकली, यहाँ पे अगर मैं ये लाइन खींचता हूँ, ठीक है, तो आप ये देखोगे जब इसने इसको क्रॉस किया तो नेक्स्ट वीक में आके इसको रीटेस्ट कर गया, ठीक है। जैसे ही 950 को किया तो नहीं आया, यहाँ पे इस वाली वीकली कैंडल ऊपर गई है तो नीचे आ गया है जहाँ पे वो गया, ठीक है। पर इस वाली कैंडल को जहाँ से इसको क्रॉस करके गया नीचे नहीं आया, और 950 को भी सीधा ऊपर चला गया। तो एक बार इसको 950 और भविष्य में कभी 750 आना चाहिए एज पर माई टेक्निकल स्टडी। ये मैंने लॉन्ग टर्म के लिए आपको वीकली चार्ट पर एनालाइज कर दिया। डेली चार्ट में जो फंसे हुए हैं भाई, तेजी इसमें जब भी है, जब 1110 के ऊपर क्लोज करेगा और 1030 का लेवल तोड़ देता है तो भैया मंदी है, ठीक है, मंदी है फिर, दैट्स इट, थैंक यू। एक मिनट इसको यार मैं आपको छोटे टाइम फ्रेम में भी एक बार बता देता हूँ, 2 मंथ का चार्ट लगाता हूँ और 1 आवर की कैंडल लगा के इसको पढ़ने की कोशिश करता हूँ, दैट्स इट। अगर ये सपोर्ट टूटता है तो भैया पी वाले खुश हो जाना। ये है आपका 1060 का ये सपोर्ट टूटता है तो पी वालों को ये लेवल देखने को मिल सकते हैं। ये लेवल आते हैं आपके 1045 जो उसको ठोक के बैठे हुए, और फिर आता है 1020। और ये सपोर्ट लेके यहाँ से अगर ये इसका बहुत बड़ा सपोर्ट का काम करेगा जो कि लेवल आता है आपका एक मैं आपको बता देता हूँ, ये है 1080। 1080 टूटा तो भैया 1060 टूटा 1045, और इसको ऊपर जाने के लिए किसी भी हालत में ये तो क्रॉस करना ही पड़ेगा जो है 1110। इसके ऊपर क्लोजिंग चाहिए 1110 के ऊपर, नहीं तो 2-3 घंटा कम से कम सस्टेन करें। दैट्स इट गाइस, थैंक यू।